गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा 6 को लेकर के। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे और संस्कृत व्याकरण में बहुत सारी बातों को जानेंगे। और सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे कि आपको ये भी मालूम होगा कि आपके वेबसाइट में कि 15 जुलाई से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, उसके लिए आप जल्द से जल्द अपना नाम भी एनरोल करा लीजिए। और अब हम आते हैं पढ़ाई की ओर, जो कि हम लोग देखेंगे व्याकरण मंजूषा से संस्कृत वर्णमाला। आपकी किताब में सबसे पिछले भाग में यह वर्णमाला आपको देखने को मिलेगा। तो हम आते हैं संस्कृत वर्णमाला। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णों को व्यवस्थित समूह में रखने की प्रक्रिया को वर्णमाला कहते हैं, या आप अपने किताबों में देख सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी फर्स्ट जो है वर्णमाला के हम लोग बारे में जाने कि वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। या आप जैसे व्याकरण में भी पढ़े होंगे तो वर्णों के बारे में कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। लेकिन सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वर्ण आखिर है क्या। तो वर्ण क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में, दूसरे वाक्य में हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसमें आप जोड़ सकते हो जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। अब हम आते हैं बच्चों कि वर्ण के भेदों के बारे में, कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्ण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और दूसरा जो है व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। आप अपनी किताबी परिभाषा में भी देख सकते हो कि वे स्वर वर्ण वे होते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जा सकता है, यानी जिसके उच्चारण में किसी वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। उसी तरह व्यंजन वर्ण वह वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है या लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम देखेंगे अ, स्वर वर्ण में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, जैसे जो भी वर्ण होंगे इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन वही हम व्यंजन वर्णों में लेंगे तो जैसे हम लिख रहे क, तो क में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। अगर हम इसे देखें तो क हलंत जोड़ अ से मिलकर के ये पूरा क बना, यानी यहाँ पर ये क्या है, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण यानी यह व्यंजन वर्णों की सहायता से इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी स्वर वर्णों की सहायता से इसका प्रयोग किया जा सकता है व्यंजन वर्णों का। अब हम आते हैं जैसे इसकी संख्या की ओर। तो स्वर वर्णों की संख्या संस्कृत में 13 होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछा जा सकता है कि स्वर वर्णों संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। अब हम आते हैं इसमें देखेंगे स्वर वर्णों के कुछ भेदों के बारे में। तो स्वर वर्णों के कुछ भेदों के बारे में अभी हम जान जाए तो इसमें हम देखेंगे आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, देखेंगे और एक प्लुत स्वर। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यानी यहाँ इसमें प्लुत स्वर न हो करके ये हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसे मिश्रित स्वर के रूप में माना गया है, मिश्रित स्वर के रूप में इसे देखा गया है। अब हम आते हैं तो ह्रस्व स्वर,
आप जानते हो कि वैसे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय का प्रयोग होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वह स्वर जिसमें ह्रस्व से दो गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अमिश्रित स्वर यानी जिसमें बहुत सारे स्वरों का मिश्रण होता है उसे हम मिश्रित स्वर कहते हैं। अब देखेंगे इसमें ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ ई उ री और ली जैसे स्वर या जैसे वर्ण आते हैं, और दीर्घ स्वर में आ बड़ी ई बड़ा उ री री जैसे वर्णों का प्रयोग किया जाता है, और मिश्रित स्वर में ए ए ओ और अ ओ और अ का प्रयोग होता है। बच्चों और हम लोगों की किताब में पढ़ना है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण के बारे में आप जान गए कि वे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता के बिना प्रयोग नहीं होता है उससे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या जो है 33 है, इसकी संख्या 33 है। अब ध्यान में रखोगे संख्या जो है 33 है व्यंजन वर्णों की। इसमें देखेंगे कि इन वर्गों को अधिक भागों में बांटा गया है, कवर चवर टवर तवर पवर जैसे जैसे क ख ग घ ङ च छ झ ञ ट ठ ड न त थ ध ध न प फ भ म य र ल व, ये जो है अंतस्थ वर्ण है और उष्म वर्ण है यानी इसको। हाँ तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि व्यंजन वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है, पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। और इसमें बहुत सारे भागों में देखा गया है कि क च ट ध अर्थात क ख ग घ ङ यानी कवर चवर टवर तवर पवर, और अंतस्थ वर्ण के रूप में य र ल व, और उष्म व्यंजन के रूप में उष्ण वर्ण के रूप में आपको स तालव्य स मूर्धन स दंती स ह। अब हम आते स्वर रहित व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा यानी हलंत लगाते हैं, यानी जब भी स्वर रहित व्यंजन हो, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अगर हम क लिखते हैं, यदि हम क लिखते हैं तो क जो है इसमें अ मिला हुआ है, यानी अगर इसमें हलंत लगाते हैं तो यह हो जाता है आधा क, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे इसे हलंत कहते हैं, यानी जो यह रेखा होती है उसको हलंत हम लोग कहते हैं, हलंत यानी हलंत का यह चिन्ह भी है। अब हम आते हैं वर्णमाला के चार संयुक्त व्यंजन भी आते हैं इसमें छ त्र ज्ञ स्र। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वर्णमाला के जो चार हैं वो छ त्र ज्ञ और स्र के बारे में। तो आप देखोगे वर्णों का निर्माण इस प्रकार हुआ है छ त्र ज्ञ और स्र। तो यह जो वर्ण जो है कैसे मिलकर बना हुआ है ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप ध्यान देंगे, क्योंकि यह भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो छ जो है कैसे मिलकर बना हुआ है, अगर आधा छ हो या आधा त्र हो आधा ज्ञ हो आधा स्र हो तो यह आपको मिलकर बना हुआ है क हलंत जोड़ श के मिलकर बना हुआ है, यानी ये दोनों मिलकर के आधा छ बनाते हैं। अगर अ इसमें जोड़ देते हैं तो यह पूरा छ बन जाता है। अब हम आते त्र, तो त हलंत जोड़ र हलंत से मिलकर के त्र बना हुआ है, ज्ञ ज हलंत जोड़ इय से मिलकर के ज्ञ बना हुआ है, स्र यानी स्र हलंत जोड़ र हलंत से मिलकर के स्र बना हुआ है, आप देख सकते हो अपनी किताब में। अब हम आते हैं अंत में अयोगवा। बच्चों ध्यान में रखेंगे अयोगवा क्या है, अयोगवा जैसे प्रश्न अ यो ग वा ह अयोगवा। अ का अर्थ होता है नकारात्मक दृष्टि से, योग का अर्थ होता है अगर देखा जाए तो जुड़ा हुआ, और योग और वाह मतलब वहन करना, अर्थात हम कह सकते हैं जिसको हम लोग वहन नहीं करते जिसको नहीं जोड़ते हैं। अर्थात अयोगवा के बारे में अगर हम जाने तो वह वर्ड जिस जो नहीं स्वर में आते हैं और नहीं व्यंजन में आते हैं उसे अयोगवा कहते हैं, वह वर्ड जो नहीं स्वर में आते हैं और नहीं व्यंजन में आते उसे अयोगवा कहते हैं। कहा जाए कि इन वर्णों के अतिरिक्त अनुस्वार और अंग, और यह दो ही होते हैं, एक अनुस्वार
और दूसरा अपविसर जिसको हम लोग कहते हैं, दो ही होते हैं अनुस्वार अपविसर, यानी इसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं, अंग को अनुस्वार के रूप में जानते हैं स्वार, और इसको हम लोग विसर विसर के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। आपके किताब में दिया गया है, यानी इन वर्णों का अतिरिक्त अनुस्वार और विसर का प्रयोग भी वर्णों की भांति होता है, वर्णों की भांति होता है यानी लिया जाता है, इन्हें अयोगवा कहा जाता है। यानी आपकी किताब में लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा आप ध्यान दोगे, इन वर्णों के अतिरिक्त अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग भी वर्णों की भांति होता है, इन्हें अयोगवा कहा जाता है। या तो आप किताबी परिभाषा लिखो या तो मेरी परिभाषा लिखो, वो वर्ण जो न ही स्वर में आते और न ही व्यंजन में आते उसे हम अयोगवा कहते हैं। तो बच्चों अब मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप उसे जरूर अपने कॉपी में लिख लोगे और टेस्ट के लिए तैयार रहोगे। पहला प्रश्न है जो है आपको वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। दूसरा जो है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण की परिभाषा लिखी। तीसरा जो प्रश्न जो है आपको स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। नाम लिखिए, नाम लिखिए। और एक प्रश्न हम देखते हैं, अयोगवा किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है अयोगवा किसे कहते हैं, उसका उदाहरण लिख देंगे आप, कौन कौन है अयोगवा।